Namaste friends, welcome to. So let's start our sun yoga. And today हम ताल ताल लोक के बारे में जानेंगे. ये ताल ताल लोक अंटार्कटिका रीजन में है जहां ज्यादातर ह्यूमन बींग्स की मनगण नहीं है और लोग सरफेस के ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर नहीं रहते हैं, या सरफेस के ऊपर रहे तो भी एक राउंड ग्लोब जैसा कुछ हाउसेस बना के उनके अंदर ही रहते हैं. बाहर फिरना या कुछ बाहर की नॉर्मल जैसे हम कर रहे हैं वैसे एक्टिविटीज करना नहीं करते हैं, और अपने आप को प्रिजर्व करके और कुछ सेव करके और अपने आप को कंप्लीट कवर करके रहते हैं. एंड दिस इज रूल्ड बाय मायासुरा. सो नॉर्मली हम लाइफ में भी डेली डे टू डे लाइफ में भी कई बार ये माय में आया या किसी की बातों में आ गए हैं हम, अरे यार ये माय कर दिया है और ये दुनिया सारे माय हैं, हमको सच जानना है, द सोल ट्रूथ, ऐसे बातें करते हैं. ये माय क्या है? जो लंका की अधिनेता रावणासुरा है, इस रावणासुरा की वाइफ मंडोदरी देवी की फादर मायासुरा राक्षस है. सो वो ऐसे क्रिएट करता था कि जो चीज है वो है ही नहीं जैसा, जो चीज नहीं है वो है जैसा, और साया सारे और क्या माई तरीका से मेस्परेज करता है. अभी भी कई लोग मैजिशियंस हैं इस धरती पे और बहुत ऐसे ऐसे ट्रिक इनके पास ऐसा है तो इंसान एक मिनट में देखते देखते धोखा खा लेता है. और एक्चुअली वो कुछ जादू नहीं कर रहे हैं मगर एक छोटा सा ट्रिक के थ्रू वो लोग वो काम कर रहे हैं. फिर ये सारे ट्रिक्स समझ में आना है तो ये मायासुरा की जब हम इनकॉर्नेशंस में आते हैं तो ही हमको ये इंद्रजाल की रिलेटेड और मैजिक की रिलेटेड हमको इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजीज हमारे पास आते हैं. और कई लोग झूठ बोल के भी, जैसे जो चीज है ही नहीं, अरे इधर ही है, अब भी आ रही हूँ बोल के पैसे ले लेते हैं, कुछ झूठ बोल लेते हैं और कई चीजें बड़े बड़े काम सामने वाले को बेवकूफ बना लेते हैं. ये सब माई करते हैं और हम भी, हमारा ब्रेन में सेल्स जो कॉन्शियस में होके सच क्या है जानने की क्षमता नॉर्मली हम है, हमको है, मगर फिर भी जब ये लोग हमारे ऊपर अटैक करते हैं तो हम सोचने की क्षमता ही खत्म हो जाती है और हम इन लोगों की माय में आ जाते हैं और सारे सेल्स जो हायर में से इंफॉर्मेशन लेके और हमेशा हमको प्रोटेक्ट करके जो कॉन्शियस में रह रहे हैं वो सेल वीक होके हम इनकी असर में आ जाते हैं और इनकी माय में आ जाते हैं, हम इनकी बातों में आ जाते हैं. और वो लोग जो भी झूठ बोल रहे हैं ये कहीं ना कहीं सोल को समझ में आने के बाद भी हम ऐसा मजबूर हो जाते हैं इनकी माय में आके, फिर हम इनकी हर बात पे हाँ भर के फिर नुकसान, हमको नुकसान पहुंचाते हैं ये लोग. सो ऐसा माय में से इस दुनिया में कभी भी कोई भी इंसान किसी भी लोअर डायमेंशन की, जैसे ताला ताल लोक, ओके ताला ताल लोक वासियों की असर हमारे ऊपर आया या वो ह्यूमन बींग्स के अंदर वॉक इन होके भी आपके पास कुछ रॉन्ग रूट पे आपको लेके जा रहे हैं तो भी आप उनकी माय में नहीं आना चाहिए. आपकी सेल्फ को उनसे जो भी कनेक्टेड है और आपकी जो भी कनेक्टिविटी है बीच में, आज हम सन योगा के थ्रू उन माय को छेद कर रहे हैं, उन माय को क्लियर कर रहे हैं. ओके सो एक्चुअली ये क्या है, डे टू डे लाइफ में कई लोगों की बातों में आ जाते हैं हम और हमको खुद को पता नहीं चलता है. इवन जैसे इलेक्शंस आते हैं, लोग कोई मीटिंग करते हैं तो उनकी मीटिंग में दो चार बातें वो लोग झूठ बोलते हैं, ये जो झूठ बोल रहे हैं ये बात मालूम चलने के बाद भी इनकी बातों में आ जाते हैं. जैसे सीरियल्स है, ये लोग उन्हें एक्शन कर रहे हैं ये बात हमको मालूम है तो भी हम पता नहीं कैसे इनकी बातों में आ जाते हैं और हम खुद भी इनके साथ साथ दुख होने लग जाते हैं. कोई भी घर पे झूठ बोलते रहते हैं तो भी हमको फीलिंग तो आती है मगर फिर भी
अरे रे तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, ये लो ये पैसा ले लो या तो ये चीज ले लो बोल के हम उनको पैसे दे देते हैं, हमारे सब गोल्ड दे देते हैं, पेपर्स दे देते हैं। और कई लड़की हैं किसी लोगों की बातों में आके फिर चीटिंग हो जाते हैं, फिर शादी कर लेते हैं या प्यार कर लेते हैं, और कई चीजें वस्तुएं सामग्री उनको दे देते हैं। ऐसा डे टू डे लाइफ में हम कई लोगों की माय में आते हैं। बिजनेस लोग फिर चीटिंग में आ जाते हैं, फिर अपने पार्टनर चीटिंग कर जाते हैं, और किसी और की बीच में ये लोग रह के फिर कहीं साइन कर लेते हैं। वो लोग बोलते हैं कि अभी उछलती ले रही हूँ कि जस्ट 10 डेज में रिटर्न दे देते हूँ, फिर उसकी माय में आ जाते हैं। ऐसे हमारे लाइफ में जो नुकसान हमको पहुंच रही है वो किसी और की वजह, तो हम उन लोगों की बातों में उनकी माय में हम आ रहे हैं। ओके, सो कहीं ना कहीं हमने पास्ट लाइफ में जो भी बैड कर्म किया है उसी की वजह ये मायासुर, ये ताल ताल लोक वासियों से हमारे सेल कनेक्टेड है। तो हम रिटर्न जब हमारे वक्त आते हैं, हम रिटर्न फिर उन्हीं लोगों से हमारे साथ चीटिंग हो रही है, और हम इन लोगों की बातों में माय में आके फिर हमारे साथ नुकसान पहुंच रही है और हमारे साथ चीटिंग हो रही है। सो हमने कोई गलत काम करने के बावजूद भी अभी हम उन लोगों की और वहां के लोगों की वासियों से माफी मांग के, और वहां जो हमने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस किया है वहां की टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की रिलेटेड नॉलेज अभी हम डाउनलोड करके फिर वहां लोगों से और वहां की हमको नुकसान पहुंचाने वाले जो भी वहां की वासियों से हमारे जो भी कनेक्शन है वो कनेक्शन हम कट कर रहे हैं। ओके, सो वी आर कॉट कटिंग बोल सकते हैं इसको। और ये लोग हमको कैसे पहचान रहे, अभी हमने पास्ट लाइफ में कभी कहीं कुछ कर लिया तो अभी वो लोग हमको कैसे पहचान रहे। हम इतनी करोड़ों लोगों में इस धरती पे रह रहे हैं और नेक्स्ट नेक्स्ट जनरेशंस भी चेंज हुआ है, फिर भी वो लोग कैसे पहचान रहे। वो एक सेल के थ्रू पहचानते हैं, जैसे हम सेलफोन के हमारे नंबर हैं, साल 10 साल के बाद भी उस नंबर हमारे पास है किसी की, हम जैसे उनको डायल करते हैं तो लोग जैसे हम कॉल उठा लेते हैं, फिर वो हम कहाँ हैं वो मालूम नहीं, मगर हमारा नंबर सामने वाले के पास है, तो वो लोग हमको कैसे कॉल से कनेक्ट हो रहे हैं। वैसा ही हमारे एक सेल होती है, हमारे बॉडी के अंदर 30 ट्रिलियन सेल्स हैं, ईच एंड एवरी सेल कॉन्शियसनेस लेती रहती है और यूनिवर्स की एनर्जीज लेते हैं। हमने जो भी पाप कर्म किया है उस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 2 मेगाबाइट इसके अंदर कम से कम जीबी होती है, उसके अंदर डेटा रहती है। हमने जो भी पास्ट लाइफ में बुरा कर्म किया है या किसी को नुकसान पहुंचा है वो सारे रिकॉर्ड उस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रिकॉर्ड होके रहती है, उसकी थ्रू वो लोग हमारे से कनेक्टिविटी में रहते हैं। अभी हम वो सेल को क्लीनिंग प्रोसेस कर रहे हैं, मीन्स हम हमारा नंबर चेंज कर रहे हैं। ओके, हम हमारा नंबर चेंज कर रहे हैं तो लोग हमको पहुंचने के लिए जो भी पुराना नंबर पे कॉल करते हैं तो हम उनको मिलते ही नहीं है, सो वो लोग हमको ढूंढ नहीं सकते हैं। ये ओनली सेल के थ्रू ही ये सारे काम हो रही है। सो हम जो पास्ट कर्मास हैं वो सेल के अंदर रिकॉर्ड है, उसको हम कंप्लीटली क्लीन आउट करके फिर जो हमारे नंबर है ये हायर कॉन्शियस से कनेक्ट होके हमारे सेल के अंदर देवता जात की लोगों से हम कॉट कनेक्ट कर रहे हैं, और हायर बीइंग से हम कॉट कनेक्ट कर रहे हैं, और हायर वर्ल्ड से इंफॉर्मेशन लेके वो इंफॉर्मेशन को हम सेल के अंदर फिर हमारा डेटा दोबारा हम रिकवर कर रहे हैं। क्योंकि तो जो जो इंसान हमको नुकसान पहुंचाना है वो सारे डेटा क्लियर करके और हायर बींग से हम डेटा इनके अंदर फिल कर रहे हैं, ताकि हम हायर से इंफॉर्मेशन लेके अभी इस जन्म में हमारे साथ धरती में जो भी लोग को फायदा पहुंचाने वाले काम और कार्य हम करें और इस अर्थ में लोक कल्याण के लिए हम काम करें। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट अवर मेडिटेशन। क्लोज योर आईज एंड क्रॉस योर फिंगर्स एंड क्रॉस योर लेग्स। कहीं भी आपको कोई भी बात समझ में नहीं आता है
तो रुकना मत, ओनली फॉलो माई सजेशंस। मेडिटेशन में कोई भी चीज नेगेटिव नहीं होती है, ओनली पॉजिटिव ही होती है। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लीनिंग प्रोसेसेस हैं। ओके, क्लोज योर आईज, बी रिलैक्स्ड। मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ, मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ, अपनी पूर्णात्मा से, विश्वात्मा से अनुसंधान होके मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ। मैं मूल अचेतन्य शक्ति से अनुसंधान हूँ। मैं सूर्य की शक्ति, नवग्रहों की शक्ति ले रही हूं। द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई, सूर्य भगवान की। शक्ति मेरी सहस्रारा से ब्रह्मरंध्र की ध्रुव, सूर्य की शक्ति कण कण में प्रसार हो रही है। सूर्य की शक्ति को हर एक सेल के थ्रू, टिश्यू ब्रीथिंग के थ्रू, अणु-अणु के अंदर सूर्य की शक्ति ले रही हूं। हम कभी भी पास्ट लाइफ्स में, और हमारे एंसेस्टर्स ने भी ताल ताल लोक से कनेक्टेड हैं, और वहां जन्म लिया है। अंटार्कटिका अंटार्कटिका में जन्म लिया है। क्या वहां
अंटार्कटिका की वासियों से संबंध बांधवी है। या हम जो भी सामान वस्तु प्रोड्यूस करते हैं वहां लोगों के वासी इसको इस्तेमाल करते हैं। हमारी वजह कभी भी कहीं भी ताला ताला लोगों में किसी को भी नुकसान पहुंचाया है। किसी भी तरीका की उनको तकलीफ पहुंचाया है। अपनी सोचों से विचारों से वहां के जल जलचरों को प्राणियों को वहां की प्रकृति को किसी को भी जाने अनजाने में हमारे से कोई भी नुकसान पहुंची है। हायर बींग्स एंड एंजल्स ताल ताल लोक में जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं हमने उनको डिस्टर्ब किया है। वहां की प्रकृति को वहां की प्रजा को वहां के सारे जीव राशियों को और पेड़ पौधों को हम दिल से माफी मांग रहे हैं। हमने वहां जन्म लेके या हमारी कोई थॉट्स एंड थॉट फॉर्म से उस प्रांत की कोई भी नेगेटिविटी हमने पहुंचाया है। उनकी रिलेटेड जो भी कर्म दोष हमारे सेल्स के अंदर रिकॉर्डेड है
सूर्य की शक्ति अनंत से अनंत हम लेके हर एक सेल के अंदर क्लीनिंग प्रोसेस कर रहे हैं। जो भी सेल ताल ताल लोक से कनेक्टेड हैं, वहां की नेगेटिव थॉट्स एंड थॉट फॉर्म से वाइब्रेशन से कनेक्टेड हैं। क्लीन ईच एंड एवरी सेल, स्टार्ट क्लीनिंग वेरी फास्ट। हमारे नेक्स्ट जेनरेशन को अभी हम जो भी तकलीफ और ना समझ हैं, ये सेल्स ट्रांसफर नहीं होएगी। जिस बात पे आपको नॉलेज नहीं है, जिससे आप कंफ्यूजन स्टेट पे हो, आप किसी और के ऊपर उम्मीद करके इनकी माई में आ गए हैं। आपकी लाइफ में जहां जहां चीटिंग हो गई, नुकसान हो गई, वो अंधकार के रिलेटेड सारे सेल्स को क्लीनिंग प्रोसेस कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा लाइफ में, टू बी कॉन्शियस इन ईच एंड एवरी टॉपिक। छोटी से छोटी बात भी, आपके साथ कभी भी लाइफ में चीटिंग हो गई है या आपको अनसमझ है और कंफ्यूजन है, ईच एंड एवरी सेल के अंदर सूर्य की शक्ति जा रही है। उस सेल के रिलेटेड जो भी हायर एनर्जीज लेना है, वो एनर्जीज सेल्स लेना स्टार्ट कर रही हैं।
मायासुर की माई में से हम कंप्लीट बाहर आ रहे हैं। अभी और ताल ताल लोकवासियों से किसी भी तरीका से हम कनेक्टेड हो एनर्जी के फॉर्म में, कार्मिक रिलेटेड फॉर्म में। हम किसी को भी ऋण है, कॉर्ड्स कनेक्टेड हैं। थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स के रूप में कनेक्टेड हैं। थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स के रूप में कनेक्टेड हैं। छोटी सी छोटी सेल भी कनेक्टेड हो, या हम जाने अनजाने में ताल काल लोक की एनर्जीज इनवाइट करके अपने खुद कनेक्ट हुआ है। कई जगह हम ये देखते हैं अंटार्कटिका बहुत खूबसूरत जगह है, या ताल ताल लोक बहुत ऐसा है। वहां के लोग काम नहीं करते हैं, वहां के लोग मजे में जीते हैं। ऐसा किसी भी बातों में आके हम वहां की एनर्जी को खुद इनवाइट करके हमारे पास रखे हो, एवरीथिंग क्लियर कर लीजिए। हरेक थॉट फॉर्म को क्लियर कीजिए। सूर्य की शक्ति ब्राइट गोल्डन रेस में आ रही है। आप ये कॉन्शियस में आइए, आप अभी इस वक्त धरती पे हो, और जहां आपने पैदा हुआ उसी जगह पे हो। यूनिवर्स को आप इधर जहां आप रह रहे हो वहां आपकी जरूरत है।
आप किसी और लोअर डायमेंशन की प्लेसेस को इमेजिन करके वहां की माई में आके आपको हायर में जो ट्रैवल करना है वो छोड़ के लोअर में ट्रैवल करना पसंद मत करना। इस धरती पे जो भी इंसानों से और माय से खूबसूरत से बना हुआ किसी भी चीजों से हमको जरूरत नहीं है। असली खुशी स्वर्ग लोक प्राप्त करने में और हायर डायमेंशंस ट्रैवल करने में है। पुण्य कमा के ज्ञान कमा के ऊर्ध्व लोक पे अपनी ट्रैवलिंग स्टार्ट कीजिए। टिकट्स बना के बैग पैक करके लोअर डायमेंशन जगहों के लिए मजे करने के लिए बैग पैक मत करना। रिमूव ऑल द थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स। ताल ताल लोक से आपका कोई भी ताल्लुक नहीं है। ओनली वहां आपने जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस किया है, पुण्य कमाया है, जो भी नॉलेज एंड टेक्नोलॉजीज, जो पॉजिटिव नॉलेज एंड टेक्नोलॉजीज आपके अंदर है, वो अवेकन स्टेट में धीरे धीरे आ रहे हैं।
सारे विद्याएं आपने जो भी सीखा है इस धरती पे इस जन्म में आप वो सब लोक कल्याण के लिए वो ज्ञान को आप इस्तेमाल कर रहे हो। आपके अंदर कहीं भी कभी भी किसी और के ऊपर नेगेटिव थॉट नहीं आना है, किसी और को चीटिंग करने की थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स नहीं आना है। हम कभी भी इन लोगों से कनेक्टेड हैं, हम भी माया स्वरूप में ले सकते हैं, हमारे अंदर भी फिर ये मास्टर्स वॉक इन करके हमारे साथ नुकसान पहुंचा सकते हैं किसी और को, या हमारे साथ भी नुकसान हो सकती है। इन दोनों तरीका की पीड़ा से और कर्मा से हम अपने आप को खुद विमुक्त कर रहे हैं। कोई और बाहर से आके हमको कोई मदद नहीं करेगा, हम खुद स्वयं हमारा हर परेशानी की रिस्पॉन्सिबल हैं और विमुक्त कर सकते हैं। वी आर क्लीनिंग ईच एंड एवरी सेल्फ। हम माई में नहीं आने के लिए, किसी और को माई करने की सोच विचार नहीं आने की, दोनों तरीका से सेल्फ को हम क्लीनिंग प्रोसेस कर रहे हैं। हम ऐसी लोअरों में कई बार जन्म ले लेके अभी ये भूलोक में बहुत अद्भुत ज्ञान के बीच में और सकल देवताओं के आशीर्वाद से यहाँ हम भी हमने जन्म लिया है। इस जन्म का पूरी फायदा लेंगे। सूरज 6-6 महीने ताल ताल लोक में आर्कटिका अंटार्कटिका की जगह पे सूरज दिखता ही नहीं है। इतनी सी उजाला के लिए वहां के लोग तड़प जाते हैं, तरस जाते हैं, मगर हमारे पास रोज सूर्य भगवान आके हमको हीलिंग प्रोसेस क्लीनिंग प्रोसेस करके कई तोहफाएं देके जा रहे हैं। फिर वो अंधकार की जगह में से आपकी सेल्स जो भी कनेक्टेड हैं, आपकी सोच विचार जो भी कनेक्टेड हैं, आप वहां से निकल के उजाले में, शक्ति में, सूरज की अंडर में अपने आप को शिफ्ट कीजिए। ताल ताल लोक से जो भी कनेक्टेड होता है उनके अंदर एक मानसिक एंटिटीज काम की सोच एक कंफ्यूजन स्टेट एक अनकॉन्शियस स्टेट ड्रग्स को एडिट करते हैं। बहुत मेंटल कंफ्यूजन में रहते हैं,
आंख खोल के भी दिन में बुरे सपने देखते रहते हैं। सोल की कोई भी मोटिवेशन नहीं रहते हैं। सारे जो प्रिजर्व हो गई वो सामान खाना पसंद करते हैं, जो फ्रिज के अंदर प्रिजर्व करते हैं, जो टिन में पैक होते हैं और सालों साल पुराने सामान खाते रहते हैं और ड्रग्स यूज करते हैं। और नेगेटिव एंटिटीज के साथ रहते हैं। ये कोई भी चीज हमको नहीं चाहिए। हम हायर बींग्स की एनर्जीज एंड इंफॉर्मेशंस लेके और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके मोक्ष लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप अपनी सेल्स को समझाइए, आपकी सोल को समझाइए। लेट्स ट्रैवलिंग टू द हायर। Enjoy the cleaning process. Enjoy the traveling of higher dimensions and relieving from the lower dimensions. गंदगी को साफ करके इंसेंस डाल रहे हैं अभी हमारे अंदर। Make yourself more happier. Settle down all the energies. धीरे धीरे energies को settle down कीजिए। एक हायर हैप्पीनेस को महसूस करते हुए आज हम ताल ताल लोक वासियों से जो भी कॉर्ड्स एंड सेल्स कनेक्टेड है इसको क्लीनिंग प्रोसेस में हेल्प किया हुआ सारे हायर बीइंग्स को नमन करते हुए, सूर्य भगवान को नमन करते हुए धीरे धीरे आपकी दोनों हाथ आंख के ऊपर रख के ओपन योर आईज। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज द क्लीनिंग प्रोसेस ऑफ ताल ताल लोक। कोई भी आपको कभी कोई बात समझ में नहीं आता है, कंफ्यूजन स्टेट में हो, तो हायर में से एनर्जीज लीजिए और ताल ताल लोक से उस वक्त आपकी कोई भी कनेक्टिविटी है तो सूरज की शक्ति से उस कनेक्टिविटी को कट करके फिर आपको हायर में से इंफॉर्मेशन लेके तुरंत आप कॉन्शियस में आ सकते हो।
जो भी आपके सामने आया है, आपको जो झूठ बोलने के लिए या कोई चीटिंग करने के लिए या माय में फंसाने के लिए, तो उन लोगों को आप सूर्य की शक्ति उनको भी भिजवा सकते हो। जब हम सूर्य की शक्ति, जो भी इंसान हमारे पास आके कोई बात बता रहे, आपको कंफ्यूजन आया, तो आप इनके ऊपर सन की एनर्जीज स्प्रेड कर सकते हो। तो उनकी कोई भी लोअर डायमेंशन वाले कनेक्टेड हैं, वो अपने आप उन लोगों को छोड़ के भाग जाते हैं और आपको सामने वाला सच बोलना शुरू कर देते हैं। ये प्रैक्टिकली मैंने कई बार किया है। और कभी कोई प्रोडक्ट ये खरीदना है नहीं खरीदना है वैसे भी डाउट आते हैं, तो वो जैसे माए जैसे अच्छा दिखती है मुझे, मगर ये सच क्या है? मैं प्रोडक्ट खरीदने के बाद ये मेरे साथ क्या होने वाले हैं, ये भी सच जानना है। तो आप कोई घर खरीद रहे हो, कुछ भी चीज आप कर रहे हो, तो सन एनर्जीज को उस प्रोडक्ट के ऊपर, उस वस्तु के ऊपर सन एनर्जीज को भेज दीजिए, और वहां की जितने माए हैं उनको कंप्लीट बैनिश कीजिए, तो आपको खुद सच समझ में आ जाती है और आप अपने आप को हायर एनर्जी से और मूल चैतन्य स्थिति से आप कनेक्ट होके सामने वाले को क्लीनिंग प्रोसेस कीजिए। तो इंसान हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, कोई भी बात हो, उसके ऊपर जो भी माया है वो अपने आप ही भाग जाती है और आपको सच पता चलना शुरू हो जाती है। ओके, सो बी कॉन्शियस एंड बी हैप्पी। हम लोअर डायमेंशंस ट्रैवल करने के लिए नहीं आया है, हायर डायमेंशंस ट्रैवल करने के लिए आया है और वो अनुभव लेने के लिए आया है। सो लोग लोअर डायमेंशंस ट्रैवल करने के लिए टिकट मत बनाइए, और हायर डायमेंशंस ट्रैवल करने के लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर लीजिए। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बीएमसी जयपुर। ये मेडिटेशन सबको साथ शेयर कीजिए। जो जो दुनिया में जो सच है वो नहीं समझ के हर बार माय होते रहते हैं, और कई लोग मुझे बताते मेरे पास साथ हमेशा चीटिंग होते हैं, तो वैसे लोगों को भी ये मेडिटेशन आप शेयर कीजिए। थैंक यू।